फ्रेंड्स, आज हम नर्वस सिस्टम के एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मोस्टली आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड में सबसे पहले क्या है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूड। जैसे सेल्स के लेवल पे फ्लूड होता है ना, टिश्यू फ्लूड होता है, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का टिश्यू फ्लूड होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो टिश्यू फ्लूड से थोड़ी सी कम अलग होती है। तो इट इज़ अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूड। सेकेंड कि भाई ये कहाँ पर होता है, ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टम, मैंने आपको वेंट्रिकल्स बताए थे, दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं हमारे ब्रेन में, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर होता है और सब अरेक्नॉइड स्पेसेस अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है उसके अंदर होता है। तो कहाँ पर होता है, इट इज कंटेंट इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड इन द सब अरेक्नॉइड स्पेसेस अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब थर्ड पॉइंट है इसमें, इट रिप्लेसेस द CSF रिप्लेसेस द लिम्फ इन द CNS। CNS में लिम्फ नहीं होता है, उसकी जगह पर CSF होता है। तो CSF रिप्लेसेस द लिम्फ इन द CNS। तो व्हाट इज CSF? CSF इज अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूड। सेकंड, वेयर इट इज कंटेंट, इट इज कंटेंट इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड द सब अरेक्नॉइड स्पेसेस अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। एंड द थर्ड वन इज इट रिप्लेसेस द लिम्फ इन द CNS। ओके, सो अब इसके बाद हम इसके बारे में कि ये कहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसकी फॉर्मेशन चीफली इट इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल वेंट्रिकल्स। दो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनके अंदर एक एक लेटरल वेंट्रिकल होता है। तो चीफली इट इज फॉर्म्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। कोरोइड प्लेक्सस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने मेनिंजिस पढ़ाई थी, व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सस। ये डबल लेयर ऑफ पायर मैटर होती है लाइंड बाय एपेंडाइमा, जो कि CSF प्रोड्यूस करती है। तो इट इज चीफली प्रोड्यूस्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड अ स्मॉल अमाउंट बाय द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। तो बेसिकली ये लेटरल वेंट्रिकल्स के कोरोइड प्लेक्सस से बनता है। तो ये इसकी फॉर्मेशन है। कितनी फॉर्मेशन होती है रेगुलरली, रोज इसकी नॉर्मल क्वांटिटी 150 ml है और रोजाना ये कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड अबाउट 200 ml पर आवर। 200 ml पर आवर की रेट से जो है ये प्रोड्यूस होता है और इसका जो टोटल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 6200 ml ऑफ वाटर। दिस इज इट्स नॉर्मल प्रेशर। द नॉर्मल प्रेशर ऑफ द CSF इज 6200 ml ऑफ वाटर। तो कहाँ पर फॉर्मेशन होती है CSF की, इट इज चीफली फॉर्म्ड बाय द लेट कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड अ स्मॉल अमाउंट बाय द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। And its normal quantity is 150 ml. The rate of production is 200 ml per hour. And the normal pressure of the CSF is 6200 ml of water. Now, अब इसका circulation कैसे होता है, कैसे ये बनता है, उसके बाद फिर ये आगे कैसे flow करता है। तो सबसे पहले ये lateral ventricles में बनेगा, दोनों लेटरल वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट साइड के लेटरल, क्योंकि मेन अमाउंट तो वहीं बनता है। तो लेटरल वेंट्रिकल से ये फिर कहाँ पे एंटर करेगा, नीचे थर्ड वेंट्रिकल में एंटर करेगा। थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू एंटर करेगा, एक थर्ड लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक फोरामेन होता है, उसे बोलते हैं हम इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। तो लेटरल वेंट्रिकल से CSF थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो कि मिड ब्रेन में से पास करता है। तो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अब लेटरल वेंट्रिकल से कैसे आगे जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल नीचे हमारे स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल केनाल से कंटिन्यूस होता है। तो लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल केनाल में। और फिर जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है उसमें तीन अपर्चर्स होते हैं, एक मीडियन अपर्चर और दो लेटरल अपर्चर होते हैं।
तो मीडियन अपर्चर जो बीच वाला अपर्चर होता है उसके थ्रू ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड के सब अरैक्नॉइड स्पेस में चला जाएगा, सब अरैक्नॉइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्डा इक्वाइना। और जो लेटरल अपर्चर्स होते हैं उसके थ्रू, लेटरल अपर्चर्स के थ्रू ये सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्ने और स्पॉन्टाइन सिस्टर्ने के थ्रू ये सब अरैक्नॉइड स्पेसेस अराउंड द क्रेनियल कैविटी अराउंड द ब्रेन वहां चला जाएगा। तो उसके बाद ये सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्ने और पॉन्टाइन सिस्टर्ने से होके ये पहले सबसे नीचे इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम, फिर उसके बाद सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम, फिर उसके बाद जो हमारा अरैक्नॉइड मैटर होता है उसके अंदर मैंने आपको बताई थी अरैक्नॉइड विल्लाई और ग्रैनुलेशंस होती हैं जो कि क्रेनियल वीनस साइनसेस में खुलती हैं। तो सब अरैक्नॉइड स्पेसेस में ये फ्लो कर रहा है ऊपर ब्रेन के अराउंड, जो सब अरैक्नॉइड स्पेस है वहां से फिर अरैक्नॉइड विल्लाई और ग्रैनुलेशंस के थ्रू ये हमारा जो यहाँ बीच में एक साइनस होता है उसे बोलते हैं सुपीरियर सेजाइटल साइनस, उसके अंदर ये ड्रेन कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका ही आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। जैसे कि इसमें ये दिखा रखा है, ये यहाँ से आया हमारा लेटरल वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल से ये इस तरीके से यहाँ से ये देखेंगे ये इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो है, यहाँ से ये आएगा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल ये बीच में थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल से ये सेरिबल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू ये आएगा हमारा फोर्थ वेंट्रिकल में। ये हमारा होता है क्योंकि ये सेरिबेलम है, ये आगे पॉन्स है और ये मेडुला है, तो इसे हम बोलते हैं सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्ने एंड पॉन्टाइन सिस्टर्ने बोलते हैं। तो यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल से पहले तो ये नीचे चला जाएगा सेंट्रल केनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर यहाँ से सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्ने के थ्रू ये आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का दिखा रखा है, ये ऊपर एरो से करके दिखा रखा है आपकी बुक में। तो ये सब अरैक्नॉइड स्पेस है हमारे सेरिब्रम के अराउंड, यहाँ से इन सिस्टर्ने के द्वारा यहाँ पे मीडियन और लेटरल अपर्चर है। तो मीडियन और पहले तो सेंट्रल कैनाल में चला गया और मीडियन अपर्चर के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड का जो सब अरैक्नॉइड स्पेस है वहां जाएगा, और इन सिस्टर्ने के थ्रू जो लेटरल अपर्चर्स है उसके थ्रू ये सब अरैक्नॉइड स्पेसेस अराउंड द सेरिब्रम वहां जाएगा। फिर यहाँ पे सब अरैक्नॉइड स्पेस के बाद ये आप ब्लू कलर की ये पूरी देख रहे हैं, ये हमारा सुपीरियर सेजाइटल साइनस है। तो इसके थ्रू आप इसमें यहाँ पे बीच में ये देख रहे हैं आप, थोड़ी थोड़ी लाइन्स दिख रही हैं ऊपर से डॉट डॉट करके ये से, तो ये हमारी क्या है अरैक्नॉइड विल्लाई और अरैक्नॉइड ग्रैनुलेशंस हैं। सब अरैक्नॉइड स्पेसेस में आने के बाद यहाँ पे इस अरैक्नॉइड विल्लाई और ग्रैनुलेशंस के थ्रू ये बहुत सारे दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, इस ब्लू कलर के पोर्शन में ये अरैक्नॉइड विल्लाई है, इसके थ्रू ये इस ये जो सुपीरियर सेजाइटल साइनस है हमारा क्रेनियल वीनस साइनस इसके अंदर ड्रेन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आए लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, फिर उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, यहाँ से जाएगा सेंट्रल केनाल में, सेंट्रल केनाल से यहाँ पे इधर स्पाइनल कॉर्ड के सब अरैक्नॉइड स्पेस में जाएगा, और फिर यहाँ से सब अरैक्नॉइड स्पेसेस ऑफ सेरिब्रम में भी चला जाएगा दोनों साइड से लेटरल अपर्चर के थ्रू, और यहाँ से फिर अरैक्नॉइड विल्लाई और ग्रैनुलेशंस के द्वारा ही किस में चला जाएगा हमारे क्रेनियल वीनस साइनसेस में ड्रेन कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इसका सर्कुलेशन होता है। अब इसके बाद ये एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है इसका, ऊपर सुपीरियर सेजाइटल साइनस जो हमारे क्रेनियल वीनस साइनसेस होते हैं उसके अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो वेन्स होती हैं उसके अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब इसके बाद इसके फंक्शंस पढ़ेंगे हम। CSF के फंक्शंस में क्या है कि CSF क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या करता है हमारे नर्वस टिश्यू को नरिश करता है, इट नरिशेज द नर्वस टिश्यू, देर इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, हमारा ब्रेन जो है हमारा जो ब्रेन है वो इवन ब्लड के कॉन्टैक्ट में भी डायरेक्टली नहीं है, ब्लड कैन नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन, देर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ CSF विद द ब्रेन। तो CSF जो है वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारा नर्वस टिश्यू तीन या पाँच मिनट से ज़्यादा बिना ग्लूकोज और ऑक्सीजन के नहीं रह सकता है, तो इट प्रोवाइड्स द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टेंटली टू द नर्वस टिश्यू। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द CSF इज इट एक्ट्स एज अ कुशन फॉर द नर्वस टिश्यू, इट डिक्रीजेज द सडन प्रेशर और द फोर्स ऑन द डेलिकेट नर्वस टिश्यू। तो एक तरह से मतलब कोई भी प्रेशर होता है या फोर्स होता है ये एकदम से अचानक से हमारे नर्वस टिश्यू पे नहीं हो पाता है क्योंकि इस CSF की वजह से। तो इसके बाद जो है वो हमारा ये इसके फंक्शंस थे। अब हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी पे आ जाएंगे। क्लिनिकल एनाटमी में आपको मैंने पिछली वीडियो में
लंबर पंक्चर के बारे में बताया था। लंबर पंक्चर के द्वारा हम CSF को ड्रेन कर सकते हैं। CSF का ड्रेनेज जो है वो L2 और L3 के बीच में, L2 L3 लंबर स्पाइंस जो है उनके बीच में, या L3 L4 लंबर स्पाइंस के बीच में हम कर सकते हैं बाईपासिंग अ नीडल इन इट। और दूसरा है, आप हेडेक के बारे में जानते हैं, तो हेडेक, कुछ हेडेक्स जो होते हैं, देयर आर सम हेडेक्स विच आर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, तो उसमें भी जो है, जिनमें हमें कोई कॉज पता नहीं होता है कि हेडेक क्यों हो रहा है, उसमें एक मियर लंबर पंक्चर के द्वारा जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है पेशेंट को। और थर्ड इम्पॉर्टेंट इसका जो क्लिनिकल एनाटॉमी है वो है हाइड्रोसिफेलस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द CSF। इफ देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द CSF और डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF और देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द CSF, there is it will lead to a condition that is called as hydrocephalus, in which there is a backflow of the CSF increases and the ventricular system of the brain will get dilate. So the dilatation of the lateral ventricles of the ventricular system, actually the dilatation of the ventricular system of our brain, it leads to a condition that is called as hydrocephalus. Isme jo patient ka kya hoga, head size thoda sa bada dikhai deta hai, एंटीरियर फॉन्टेनेली जो होती है वो हमारी टेंस दिखाई देती है, और वेन्स जो होती हैं स्कैल्प के ऊपर वो कैसी दिखाई देती हैं, डायलेटेड दिखाई देती है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन इस कंटेक्स्ट में जो है वो है, एक है वर्टिबल केनाल में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं फ्रॉयंस सिंड्रोम। फ्रॉयंस सिंड्रोम में क्या होता है कि देर इज़ अ येल्लो डिस्कलरेशन ऑफ द CSF दैट इज कॉल्ड एज जेंडोक्रोमा बिलो द लेवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। एंड इसमें क्या होता है कि जब ड्रेन करते हैं CSF को, ड्रेनेज के तुरंत बाद क्या करता है, ये कोएगुलेट करता है। इट्स स्पॉन्टेनियस कोएगुलेशन, देर इज अ स्पॉन्टेनियस कोएगुलेशन आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ द CSF। व्हाई? ड्यू टू द हाई प्रोटीन कंटेंट इन इट। तो अगर इसका बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सच CSF, द येल्लो डिस्कलर्ड CSF, इट रिवील्स द हाई प्रोटीन कंटेंट एंड द नॉर्मल सेल काउंट। सो प्रोटीन कंटेंट बढ़ा हुआ है, सेल काउंट जो है वो नॉर्मल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन बोलते हैं। तो ये हमारा जो है वो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में हो गया लंबा पंक्चर, दूसरा हमारा हो गया इसमें हाइड्रोसिफेलस, और तीसरा जो है वो हमारा हो गया फ्रॉयंस सिंड्रोम, और इसमें हेडेक जो है वो जो अननोन इटियोलॉजी के हेडेक होते हैं उसमें भी हम अगर लंबर पंक्चर करते हैं तो बहुत ही पेशेंट को जो है वो आराम मिलता है फॉर अ टाइम बिंग। तो ये इसकी तीन चार पॉइंट्स जो है वो इसकी क्लिनिकल में है। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है वो CSF था। CSF बेसिकली इट इज़ अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूड, इट इज़ कंटेन्ड इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ अर ब्रेन एंड इन द सब अरेक्नॉइड स्पेसेस अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इट रिप्लेसेज द लिम्फ इन द CNS एंड वेयर इट इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द, बेसिकली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोरॉइड प्लेक्सुसेस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट बाय द कोरॉइड प्लेक्सुसेस ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। And its normal production is normal quantity is 150 ml, rate of production is 200 ml per hour, normal pressure is 60 to 100 mm of water, and इसका circulation में सबसे first of all it is formed in the lateral ventricle, then it comes in the third ventricle through interventricular foramen of Monroe, then through third ventricle it comes to the fourth ventricle through cerebral aqueduct of Sylvius, from the fourth ventricle it goes to the central canal of the spinal cord, and through the median and the lateral apertures it goes to the subarachnoid space around the spinal cord and in the subarachnoid spaces around the cerebrum, and then through the arachnoid villi and the granulations it gets absorbed into the cranial venous sinuses, that is the superior sagittal sinus। इसके अंदर जो है वो ये ड्रेन कर जाता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट नरिशेज द नर्वस टिश्यू, इट एक्ट्स एज कुशन फॉर द नर्वस टिश्यू, इट डिक्रीजेज द सडन प्रेशर द फोर्सेज ऑन द नर्वस टिश्यू, एंड बेसिकली ये जो CSF है ये हमारे नर्वस टिश्यू को ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है, बिकॉज देर इज नो एंटीबॉडीज इन आर CNS। इफ देर इज एनी इन्फेक्शन इन द CNS इट विल लीड टू अ सीरियस एंटिटी, सो देर इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, ओनली द CSF कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द नर्वस टिश्यू एंड इट इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन एंड इट इज प्रोवाइडिंग द ग्लूकोज ऑक्सीजन एवरीथिंग it is providing, and the clinical anatomy, lumbar function, we can do it by passing a needle through L2 and L3 lumbar spines or L3 or L4 lumbar spines,
एंड सेकेंड इज सम हेडेक्स ऑफ द अननोन इटियोलॉजी. इन दैट केस अ माइल्ड लंबर पंक्चर इट विल प्रोवाइड रिलीफ टू द पेशेंट. थर्ड इज हाइड्रोसिफेलस. देर इज इफ देर इज एनी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सी एस एफ और डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ द सी एस एफ और देर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्कुलेशन ऑफ द सी एस एफ इट विल लीड टू अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोसिफेलस बिकॉज इन दैट कंडीशन द बैक प्रेशर ऑफ द सी एस एफ विल इंक्रीज एंड इट विल लीड टू द डायलिटेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ अ ब्रेन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोसिफेलस. इन दिस कंडीशन द हेड साइज विल हैव अ विल बी एनलार्ज. There is dilated veins that can be seen over the scalp and the anterior fontanelli will feel tense. Okay. Now next is the Froehn syndrome. The Froehn syndrome, in this condition there is a yellow discoloration of the CSF that is called as xanthochroma, and due to the high protein content in it, it will lead to spontaneously coagulate after the drainage. और इसमें जो सेल काउंट होता है वो नॉर्मल होता है. देर इज अ नॉर्मल सेल काउंट बट देर इज इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट. सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्बुमिनोसाइटो डिसोसिएशन बोलते हैं. तो ये हमारा जो है वो सी एस एफ का टॉपिक था. दिस इज वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब हम अपने आगे के सेक्शन में और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के साथ शारीरिक ज्ञान के सफर पर. अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू.